गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार फिर से आपके साथ आपकी ऑनलाइन क्लास के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे अपने उत्सर्जी तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है। जैसे हम बात करें एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जी, उत्सर्जी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से किसी भी चीज को बाहर निकाल देना या एक्सक्रीट आउट या उत्सर्जन कर देना। उत्सर्जन करेंगे किन चीजों का, उनके अंदर यदि बात करें तो उत्सर्जन के अंदर ये होता है कि ऐसी पदार्थ या ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनका हमारे शरीर या बॉडी के लिए किसी प्रकार के सेल टिश्यू या ऑर्गन के लिए उनकी जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या हानिकारक हो जाते हैं। यानी कि जो चीज हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट में नहीं आती अगर वो बॉडी के अंदर स्टोर है तो क्या उनके लिए हानिकारक हो जाती है या नुकसानदायक हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है उसको शरीर या बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो बाहर निकालने की प्रोसेस है इसे ही हम उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे भोजन के साथ ले रहे हैं या लिक्विड ले रहे हैं किसी प्रकार का, या और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर जरूरत या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जैसे ही रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है या जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है या जो छानने की क्रिया होती है, उस क्रिया के बाद में कुछ ऐसे पदार्थ है जो बच जाते हैं जो हमारे जिनका हमारे बॉडी के लिए कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसे पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल देना ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर यदि बात करें उत्सर्जन सिस्टम की या एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से एक तो चलता है आपका व्रत या किडनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, किडनी, किडनी के साथ में आपकी स्किन, चमड़ी और लंग्स। जैसे पिछले सिस्टम हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट है तो हम ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वहां पर विभिन्न प्रकार की सेलुलर एक्टिविटीज के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या ऑक्सीजन जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाती है CO2 के अंदर या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी जरूरत नहीं है तो उसको लंग्स के द्वारा क्या किया जाता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि स्किन की बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो सेलुलर एक्टिविटीज के द्वारा ने या फिर बहुत सारे जो केमिकल्स वगैरह है उनको क्या किया जाता है पसीने या स्वेटिंग के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम जो लिक्विड वगैरह ले रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ ले रहे हैं पानी वगैरह है तो उसके अंदर जितने भी प्रकार की जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है ना, या वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिन के साथ, ठीक है ना, यूरिन या मूत्र के साथ में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो बाहर निकालना की प्रक्रिया है इनको जैसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है तो इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहा है या उत्सर्जी पदार्थ जो बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन कहलाता है या उत्सर्जन कहलाता है। तो इसके अंदर बात करें इसके अंदर ये होता है कि यदि हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ में क्या इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है एक्सक्रीशन का इसके अंदर आपकी जो यूरिनरी सिस्टम जो चलता है, ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम और इसके साथ साथ में आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन दोनों के अंदर क्या है आपके जो ऑर्गन काम आते हैं वो सेल ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसी के साथ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आपस में क्या इंटरकनेक्टेड या जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जिन ऑर्गन से इसी बात करके सब जो यूरेथ्रा है वह आपकी यूरिनरी सिस्टम के यूरिन को एक्सक्लूड करने का कार्य करती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के समय सीमन का जो एक्सक्रीशन किया जाता है वो भी आपकी यूरेथ्रा के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। यानी अपने बॉडी से बाहर का इनका जो एक्सक्रीशन होता है वह दोनों का सेम ऑर्गन के द्वारा होता है, तो इसीलिए आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम ये दोनों आपस में क्या है इंटर कनेक्टेड है या सेम ऑर्गन के द्वारा इनका जो फंक्शन है वह किया जाता है। तो नेक्स्ट यदि बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही वही आपके और वो ऑर्गन आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर भी आते हैं, ठीक है ना। तो यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन आते हैं वो लगभग आपके सारे कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सॉरी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पर आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको आपको रीजनल सिस्टम भी कहा
कहा जाता है या इमिनरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर की जो स्टडी की जाती है अपनी इम्यूनरी सिस्टम की, उसको आप यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोलॉजी, यानी इम्यूनरी सिस्टम से रिलेटेड आप जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जिस भी ब्रांच के अंदर की आप स्टडी कर रहे हो, वह ब्रांच आपकी यूरोलॉजी कहलाती है। तो नेक्स्ट बात करें इसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है और कैसे उनकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, उसके अंदर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले काम आता है आपका ब्रद या किडनी, ठीक है ना। यह सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है ना। किडनी आते हैं, किडनी के बाद आते हैं सेकंड ऑर्गन, इसके बाद आपका यूरेटर, और यूरेटर के बाद आते हैं आपकी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आते हैं आपकी यूरेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन है यह मिलकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, यह इनर सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं आपकी किडनी, तो सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसके बाद आपके यूरेटर है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपकी आती है यूरेट्रा। तो यहां पर एक बात करें कि अंदर ये जो होता है जो ब्रेथ है, किडनी है, यहां पर आपका जो फिल्ट्रेशन होता है, वेस्ट मटेरियल है उनका जो निर्माण होता है वह होता है आपका किडनी के अंदर। यहीं पर आपके वेस्ट मटेरियल को अलग कर दिया जाता है, छान लिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद उसका यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है आपका किडनी के अंदर होता है। ये क्या करते हैं, यूरिन है तो यूरिन को आगे की तरफ या यूरिन ब्लैडर के अंदर ले जाती है। यूरिन ब्लैडर क्या करता है, जो यूरिन बना है उसको स्टोर या संग्रहित करने का कार्य करता है। और जो यूरेट्रा है ये क्या करता है, जो ब्लैडर है ब्लैडर से यूरेट्रा के अंदर यूरिन आने के बाद यहाँ से यूरेट्रा के द्वारा यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी यूरिन के अंदर बहुत सारे पिगमेंटेशन भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है ना, यूरिया भी होता है। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वह यूरेट्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे आपके ऑर्गन जिनसे मिलकर आपका यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी के बारे में डिटेल में, जिसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर, पोजीशन, संरचनाएं, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट होते हैं, ठीक है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, उन सब के अंदर बात करें। किडनी की बात करते हैं सबसे पहले, तो यदि किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर सबसे पहले देखते हैं इसका शेप, ठीक है ना। किडनी का जो शेप होता है वो होता है सेम की बीज के आकार का, या बीन शेप भी कहते हैं, यानी इसका जो शेप है वह होता है बीन शेप का, ठीक है ना। बीन शेप की स्ट्रक्चर होती है किडनी की, ठीक है ना। और होती क्या है, आपका जो लंबर रीजन है उस लंबर रीजन के अंदर सिचुएटेड या स्थित रहती है, ठीक है ना। होती है हमेशा एब्डोमिनल वॉल की पोस्टीरियर साइड के अंदर बात कर रहती है, या पोजीशन होती है, पोजीशन की बात करें तो बीन शेप की होती है, ठीक है ना। लंबर रीजन के अंदर होती है आपकी कमर की जस्ट ऊपर की साइड के अंदर, और होती है हमेशा पोस्टीरियर वॉल के अंदर, यानी आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है, पीछे की जो दीवार है उसके आसपास किडनी लोकेट होती है या सिचुएटेड रहती है। और इनकी संख्या में दो होती है, एक लेफ्ट किडनी और दूसरी राइट किडनी, जो आपका जो लंबर है वर्टिब्रा होती है, ठीक है ना। इस वर्टिब्रा के दोनों साइड में स्थित या सिचुएटेड होती है, ठीक है ना। या फिर यूं कह सकते हैं कि आपकी जो एल टू और एल थ्री है, सॉरी आपकी जो टी ट्वेल्व यानी टी बारह से लेके एल थ्री तक रहती है, इनकी जो लोकेशन है, आप जो पहले जैसे दूसरी वर्टिब्रा आपकी बारहवीं भले सी वर्टिब्रा से लेकर लंबर तीसरी यानी तीसरी लंबर वर्टिब्रा तक किडनी है वो फैली हुई रहती है या लोके रहती है, ठीक है ना। अब यहां बात करें तो आपका आपका जो राइट किडनी है, ठीक है ना, लेफ्ट किडनी की तुलना में हल्की सी नीचे होती है लोकेशन के अंदर बात करें, जैसे दोनों किडनी होते हैं ना अपने, जो लेफ्ट और राइट किडनी जो होती है, ठीक है ना। जो राइट किडनी है वह क्या है, हल्की सी नीचे होती है अपनी लेफ्ट किडनी की तुलना में। और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो राइट किडनी है उसके जस्ट ऊपर आपका लीवर पाया जाता है, यकृत पाया जाता है, यकृत की आकार को घेरने के कारण कुछ क्षेत्र में यकृत घेर लेता है, जिसकी वजह से किडनी है वो हल्की सी कैसे आ जाती है, नीचे आ जाती है,
ठीक है ना, इसकी वजह से आपसे राइट किडनी है या किसी के लेफ्ट की तुलना में नीचे की तरफ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इनकी मेजरमेंट की बात करें, किडनी का जो मेजरमेंट होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई की बात करें, तो इसके अंदर होती जो किडनी है ये आपकी होती है 10 से लेकर 13 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है ना। लंबाई मेजरमेंट की बात करें तो 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर ये होती है चौड़ी होती है या वाइड कह सकते हो आप, और इसके साथ साथ में होती है 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक, 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक ये होती है मोटी, ठीक है ना। ये है किडनी का मेजरमेंट, जिसके अंदर बात करें तो 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक मोटी होती है ये किडनी। और इनकी जो शेप की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो किडनी का शेप है वहां होता है बी शेप का, या सेम ये बीज की जैसे आकृति होती है, ठीक है ना। तो सेम बीज की जैसे आकृति होने के कारण इसका एक सिरा आपका कॉनकेव जबकि दूसरा सिरा जो है वह आपका कॉनवेक्स होता है, यानी एक उत्तर होता है अवतल, यानी एक तरफ अंदर दशी भी होती है, दूसरी तरफ बाहर की तरफ उभरी भी होती है, ठीक है ना। अब ऑर्गन की बात करें, किडनी के अंदर जो किडनी है उनकी ऑर्गन जो है कौन कौन से एसोसिएटेड रहते हैं या कौन कौन से रहते हैं, इसके अंदर की बात करें किडनी के अंदर, तो सबसे पहले आपका आता लेफ्ट और यहां राइट, इसके अंदर लेफ्ट और राइट किडनी की बात करें, लेफ्ट और राइट किडनी के अंदर सबसे पहले यदि लेफ्ट किडनी के अंदर देखिए कौन कौन से ऑर्गन इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है जो एंटीरियर की बात करें आगे की ओर, एंटीरियर की इसके अंदर सबसे पहले ऑर्गन आता है जो किडनी के अंदर आता है वह आता है आपका एंटीरियर के अंदर आपका था स्टोमा, ठीक है ना। स्टोमा के साथ साथ इसके अंदर होता है आपका स्प्लीन, पैंक्रियास, ठीक है ना। यह होता है आपके किडनी के एंटीरियर, एंटीरियर मतलब होता है आगे की साइड में, यानी किडनी के सामने, यानी किडनी के आपने जैसे बोला था कि एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर साइड के अंदर सिचुएटेड रहती है, तो पोस्टीरियर साइड के सिचुएटेड होने की वजह से इसके आगे ये होते हैं जैसे स्टोमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, जेजुनम का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। यह तीनों के तीनों पार्ट जो है ये आपकी किडनी के आगे की साइड में एंटीरियर साइड के अंदर सिचुएटेड या लोकेट रहते हैं। अब यदि बात करें पोस्टीरियर साइड की बात करते हैं, पीछे की साइड की बात करें, तो पोस्टीरियर साइड के अंदर आते हैं इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका डायफ्राम, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद डायफ्राम के साथ साथ इसके अंदर जो मसल्स होती है, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, यानी जो अपनी एब्डोमिनल वॉल थी उदरीय गुहा की जो पोस्टीरियर वॉल है उसकी जो मसल सटी हुई रहती है, उसके साथ साथ में आपकी जो ऊपर की बात करें, ठीक है ना, ऊपर के अंदर बात करें या सुपीरियर की बात करें, तो सुपीरियर के अंदर क्या है किडनी की दोनों किडनी लेफ्ट और राइट किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है एंडोक्राइन से, जिसे अपन एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। यह होती है किडनी के सुपीरियर या ऊपर जस्ट संरचना पाई जाती है किडनी के जस्ट ऊपर या सरफेस पे बोल सकते हो या छत पे या सिर पे ऊपर किडनी के अपर सरफेस पर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड रहते हैं। तो यह थी आपकी लेफ्ट साइड के अंदर, तो लेफ्ट किडनी के अंदर सबसे पहले था इसकी एंटीरियर आगे की तरफ आपका स्टोमक है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, जेजुनम पार्ट पाया जाता है, पोस्टीरियर बात करें जिसके अंदर पोस्टीरियर के अंदर एक तो आपका डायफ्राम और उसके साथ में एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर वॉल है जो उसकी दीवारें हैं उसकी मसल्स पाई जाती हैं, और उसके साथ में सुपीरियर की बात करें ऊपर की साइड पे इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है या सिचुएटेड रहती है, ठीक है। अब आप देखते हैं राइट किडनी की, राइट किडनी के अंदर सबसे पहले देखते हैं इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है या सबसे पहले बात करें एंटीरियर की, यदि एंटीरियर की बात करें तो एंटीरियर के अंदर आगे की तरफ इस किडनी के अंदर पाया जाता है लीवर का कुछ पार्ट पाया जाता है, ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि आपका जो लीवर है
उसका राइट लोब, ठीक है ना, लीवर का राइट लोब पाया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ आपके जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम पाया जाता है, और उसके साथ में आपका हेपेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। ये चीज पाई जाती है एंटीरियर साइड ऑफ राइट किडनी, जिसके अंदर एंटीरियर का एक और राइट लोब ऑफ लीवर, यानी लीवर का जो राइट लोब है गायब खंड जो पाया जाता है, वह दूसरा आपका ड्यूडेनम का, और ड्यूडेनम के साथ में हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ कोलन, यानी जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसका हेपेटिक प्लेक्सस जो आता है, जो लीवर के साथ में इसका, जो लीवर के पास में इसका जो मोड आता है, वो प्लेक्सस है जो वह पाया जाता है राइट किडनी के एंटीरियर पार्ट के अंदर या आगे की तरफ। अब बात करें राइट किडनी की पोस्टीरियर साइड के अंदर, बात करें तो पोस्टीरियर साइड के अंदर इसके अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर साइड के अंदर आपका डायफ्राम, ठीक है ना, और उसके साथ में एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर वॉल की मसल्स, और सुपीरियर पार्ट के अंदर बात करें तो सुपीरियर पार्ट के अंदर जैसे यहां पर आपकी एड्रेनल ग्लैंड थी, तो यहां पर कौन सी थी, लेफ्ट थी, तो यहां पर आपकी राइट ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन सारे के सारे जो है वो आपकी किडनी के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। लेफ्ट किडनी के साथ में आपके स्टोमक है, स्क्रीन है, पेंक्रियास या और जेजुनम या आगे की साइड में, पोस्टीरियर साइड आपका डायफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी की दीवार, और सुपीरियर साइड की तरफ आपकी लेफ्ट एब्डोमिनल ग्लैंड, ठीक है। अब यदि राइट किडनी की बात करें, राइट किडनी में आपका एंटीरियर साइड के अंदर लीवर है, जिसका राइट लोब, उसके साथ आपका ड्यूडेनम, हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ द कोलन, ठीक है। और पोस्टीरियर की बात करें, आपका डायफ्राम और एब्डोमिनल कैविटी की वॉल, और सुपीरियर आपकी राइट एब्डोमिनल ग्लैंड। ये सारे के सारे जो ऑर्गन है, ये किडनी के साथ में एसोसिएटेड या जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें या संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करें किडनी की, तो आंतरिक संरचना के अंदर सबसे पहले किडनी को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया गया है। तो सबसे जो बाहरी आवरण है उसे अपन कहते हैं कैप्सूल, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो सबसे पहले आता है इसका कैप्सूल, यानी बाहरी आवरण या घिरा हुआ, जिससे किडनी क्या बाहर से घिरी हुई रहती है, उसका आवरण है, उसका वो खास होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है ना। अब उसको कैप्सूल लेने के लिए होता है आपका फाइब्रस टिश्यू से, फाइब्रस यानी तंतुमय उत्तक से कह सकते हो, ठीक है ना, उसे उत्तक से ये बना हुआ होता है, जो क्या करता है, किडनी को सुरक्षा या प्रोटेक्शन का कार्य करता है, ठीक है। अब होता क्या, किडनी के अंदर कई बार क्या, इसके स्ट्रक्चर को या ऊपर से दबाव वगैरह का प्रेशर को रोकने के लिए इसकी जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल है, वो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, जिसकी वजह से क्या, ये किडनी की बाहरी जो दीवार है वह मजबूत बनती है, ठीक है ना, ताकि छोटे मोटे जो आघात वगैरह है, चोट वगैरह है, इसको जो प्रेशर पड़ता है उसको वो आराम से हैंडल या सहन कर सके, ठीक है ना। और इसकी वजह से ही किडनी की जो शेप है वो प्रॉपरली बनी हुई रहती है। यह था सबसे पहले आउटर कैप्सूल होता है, जो आपका विषय किसका होता है, फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है ना। किडनी का सबसे बाहरी आवरण है आपका फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसे अपन कैप्सूल कहते हैं, तो किडनी का शेप को मेंटेन करके रखता है, और उसके साथ साथ में किडनी को सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह था सबसे बाहरी आवरण। उसके बाद में आता है सेकंड पार्ट ऑफ इसका कॉर्टेक्स। अब यदि कॉर्टेक्स की बात करें, तो कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, ये बहुत सारे लाल और भूरे यानी रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, जो
कैप्सूल के जस्ट नीचे की साइड में सिचुएटेड है, इससे होता है यानी लाल और भूरे कलर का एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, संरचना होती है जो कैप्सूल के जस्ट नीचे की साइड में स्थित होती है और इसके अंदर भी दो भाग पाए जाते हैं, बाहरी भाग इसका कॉर्टिकल कहलाता है, ठीक है ना, और आखिरी भाग है वो दृष्टा मेंडिबुलर पार्ट कहलाता है। कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, जो बाहरी साइड है या एक्सटर्नल पार्ट जो इसका, ठीक है ना, वो आपका कहलाता है कॉर्टिकल, ठीक है ना, कॉर्टिकल। और जो इंटरनल पार्ट जो है इसका उसे हम बोलते हैं दृष्टा मेडुलर पार्ट, ठीक है। ये दो भाग मिलकर आपका जो कॉर्टेक्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इसे हम बोलते हैं कॉर्टिकल पार्ट, ये आपका कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है या फिर वो सभी कैप्सूल से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि जो दृष्टा मेडुलर पार्ट है यह अंदर जाकर आगे की साइड में आपके जो मेडुला पार्ट बनता है किडनी का, ठीक है ना, उसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। ये हो गया आपका कॉर्टेक्स पार्ट, उसके बाद में आता है आपका मेडुला, तीसरा पार्ट है किडनी का मेडुला, इंपॉर्टेंट भाग है, आंतरिक भाग है जिसे मेडुला कहते हैं, ठीक है ना। इस भाग के अंदर कौन से की बहुत सारी आकृतियां पाई जाती है पाई जाती है, संपा का बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है किडनी के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे संपु के आकार पाई जाती है जिन्हें अपन रीनल पिरामिड भी कहते हैं, ठीक है ना। कौन से जो स्ट्रक्चर है उन्हें अपन क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो रीनल पिरामिड है इन्हीं रीनल पिरामिड के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है जिसमें एक इसका आधार भाग होता है और दूसरा इसका शिखर वाला भाग है जिसे अपन अपेक्स कहते हैं, जिसके अंदर इसका जो आधार भाग है वह आपका कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो इसका शिखर वाला भाग है, ठीक है ना, जिससे एक अन्य संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन अंकुरक या पैपिला कहते हैं, यानी इसका जो शिखर वाला भाग जो है अपेक्स पार्ट है क्या करता है, पैपिला का निर्माण करता है, ठीक है। यह हो गया आपका मेडुला पार्ट, उस मेडुला पार्ट के बाद में नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वह आता है आपका हाइलम। अब यदि हाइलम की बात करें, जैसे मेडुला की बात की थी, सीना कॉर्टेक्स की बात की थी, मेडुला की बात की, अब हाइलम जहां से किसी भी ऑर्गन के अंदर या किसी भी अंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर उसके अंदर एंटर लेती है और वहां से एग्जिट होती है या बाहर निकलती है, इस भाग को अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें हाइलम की, तो हाइलम में यहाँ पर आपकी जो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, यूरेटर है, ये सारी की सारी है, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह है, तंत्रिका है, ये सारी की सारी क्या है, किडनी के अंदर एंटर होती है और किडनी से बाहर भी यहीं से निकलती है। तो हाइलम वह बाहर और किडनी के अंदर प्रवेश करती है, वह करने का नाम आता है हाइलम। यहां पर यदि बात करें कौन-कौन से ऑर्गन है, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं आपकी यूरेटर, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, बहुत सारे नर्वस सिस्टम जो नर्वस न्यूरॉन्स है या तंत्रिका है वो उसके अंदर एंटर होती है, लिम्फ वेसल्स भी है वो इसके अंदर एंटर होती है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर है वो हाइलम वाले भाग से किडनी के अंदर एंटर होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका लास्ट पार्ट जो है इसके अंदर, वो आपका रीनल पैलेस, रीनल पैलेस। अब ये रीनल पैलेस की बात करें, यह एक धनुष शेप का या तीन की आकार का संरचना है, धनुष शेप की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यह तीन की आकार की संरचना है जो क्या करती है, मूत्र का संग्रहण करती है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये
बात करते हैं जिसके अंदर आपके पास है मेजर कैलिस और माइनर कैलिस, मेजर और दूसरा माइनर कैलिस, ठीक है ना। याद रखिए किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपकी संरचना है, आपकी कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी सारी आगे। और उसके साथ में आपकी जो स्किन है, ये